हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बीते 23 अगस्त को बड़हरगंज थाना क्षेत्र के नैतवार पेट्रोल पंप पर एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 60,000 नकद और 6 मोबाइल बरामद। भारत सरकार की बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीच हुआ MOU। करार से शोध छात्र और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को शोध क्षेत्र में मिलेगा बढ़ावा। कुलपति ने दी जानकारी। सिटी मजिस्ट्रेट ADM और नगर निगम की संयुक्त टीम की देखरेख में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। प्रशासन से हुई नोकझोंक। निर्माण विभाग के कर्मचारियों को पार्षद ने दिया जान से मारने की धमकी। अपने ऊपर लगे आरोप को पार्षद ने बताया गलत। गौ तस्करी के आरोप में गघा पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इन आरोपियों में पकड़ी गई महिला है गिरोह की मुखिया। CDO की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई संपन्न। दिए सभी बैंकर्स को आवश्यक दिशा निर्देश। पुरानी पेंशन बहाली के लिए उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच ने काली पट्टी बांध कर किया विरोध। चालक की लापरवाही से संटिंग में जा रही ट्रेन की बोगी पटरी से उतरी। बड़ी दुर्घटना टली। कांग्रेस के तेज तरार युवा नेता गुड्डू तिवारी के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने और प्रथम गोरखपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित हुआ शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला। वक्ताओं ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सरल तरीके से पठन पाठन कराने के दिए टिप्स। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेंट्रल जॉन डेलिकेसी द्वारा पुरस्कृत किए गए गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेधावी खिलाड़ी। छोटे खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को खाद्य एवं औषधि विभाग ने प्रतिबंधित हो चुके पॉलिथीन के प्रति किया जागरूक। दिए आवश्यक निर्देश। और सितंबर से JCI द्वारा आयोजित होगा साप्ताहिक इंद्रधनुष महोत्सव।